स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे कलर स्पेस के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो कलर स्पेस तो कंप्यूटर में बात हो रहा है, तो पहले कलर को तो समझ लीजिए। तो कलर के बारे में आप ये समझिए, कलर एक रेडिएशन है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो ये काफ़ी चौड़ा चीज़ है। इसमें एक तरफ है गामा रेज, उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आता है जो चीज़ आप देख सकते हैं वायलेट से, वायलेट से आप आ सकते हो रेड तक, रेड के बाद आता है इंफ्रा रेड, उसके बाद रेडियो वेव्स, उसके बाद FM वेव्स, AM वेव्स, ऐसे ऐसे करके नीचे माइक्रोवेव, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ हम एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। उस हिस्सा को जहाँ से हम लोग देख सकते हैं वो स्टार्ट होता है, वो हिस्सा 380 नैनोमीटर से, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है अगर 380 नैनोमीटर की है तो वहाँ से स्टार्ट होता है, और सबसे नीचे जो जाता है, सबसे चौड़ा जो होता जाता है वो है 750 नैनोमीटर। तो मतलब समझिए कि 380 के आसपास से लेकर 750 नैनोमीटर तक आप देख सकते हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा हिस्सा हम लोग देख सकते हैं। ये हिस्सा में जो आप कलर देखते हैं, ये कलर हमारा आँख परसीव करता है, ठीक है। आप ये स्पेक्ट्रम कहीं भिड़ा चीज़ से रिफ्लेक्ट हुआ, एटम इसे एब्जॉर्ब किया, एटम उसके बाद वापस फेंक दिया, फिर ये आपके आँख में गया। आपके आँख में रेटिना इसको एब्जॉर्ब करता है। रेटिना में दो टाइप के सिस्टम लगाए गए हैं। एक सिस्टम है ल्यूमिनेंस डिटेक्शन का, मतलब जिसे जिसका काम होता है सिर्फ कितना ब्राइट है या कितना डार्क है देखना, वो ब्लैक एंड वाइट है, जिसे आप लोग कहते हैं रॉड सेल। दूसरा सिस्टम है जो RGB टाइप काम करता है, इसका काम हम लोग कॉर्न सेल कहते हैं, ये आपको रंग दिखाता है। रॉड सेल ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कॉर्न सेल ज़्यादा एक्यूरेट होता है कलर के मामले में, क्योंकि वो कलर देखने के लिए बना है। तो ये दोनों हैं हमारे पास, तो ठीक है। तो फिर आप ये समझिए कि एक समस्या इसके बाद ये आती है कि ये तो फिजिक्स पे है, ठीक है, आपने फिजिक्स में इसको लैब में ना पर लैब में आपने इसका तिकड़म लगा दिया, ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन रंग जो है, जैसे आप लोग कलर कहते हैं, जैसे आप रंगोली बना रहे हैं, वो उसका रंग जो है फिजिक्स में नहीं है, उसका रंग आपके दिमाग से आता है। हमारी इंसान की जो बुद्धि है, इसने खुद उस जगह पर, मतलब ये सब फ्रीक्वेंसीज़ में, ये कलर का जो आप नंबर देख रहे हैं, ये दिमाग ने लगा के ठप्पा डाल दिया है। इसीलिए जब भी आप कभी इंद्रधनुष देखेंगे तो इंद्रधनुष के बीच में आपको ऐसा बैंड थोड़ी दिखता है कि लाल से ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज से पीला हो रहा है, पीला, ऐसा बैंड नहीं दिखता है ना, वो तो मतलब एक पूरा सॉफ्ट ग्रेडियंट होता है। हमारे बुद्धि ने उस जगह पे एक स्टैंप स्टैंप लगा लगा के कर दिया कि ठीक है भैया, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक को हम लाल कहेंगे, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक को हम हरा, ऑरेंज, जो भी, तो समझिए। और इसी कारण से एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है जब भी हम लोग कलर के बारे में बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं परसेप्शन। तो कई बार आपको ऐसा होगा कि अगर आप किसी के लिए फोटो एडिट कर रहे हैं, आपको लगा यार बिंदास फोटो एडिट हो गया, आपने वही फोटो उसी स्क्रीन में, ऐसा भी नहीं कि आपने स्क्रीन बदला या प्रिंट किया, उसी स्क्रीन पर आप दूसरे बंदे को लगे यार थोड़ा फील नहीं आ रहा है, मतलब आपको लगे यार कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी दूसरे को लगे कलर बहुत अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको लग रहा है लाल है कि दूसरे को लगता है ऑरेंज है, ऐसा होता है, क्योंकि परसेप्शन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फजीहत वाला चीज़ है। फिजिक्स में अगर जाएंगे तो दिमाग ही घूम जाएगा, और बायोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि रेटिना जो है हमेशा खून से ढका रहता है, तो ढका रहना तो सही बात नहीं, मतलब समझिए वो खून में है तो आप उसको खोल के नहीं देख सकते, और ऐसा थोड़ी है कि हमारे में सॉकेट लगा स्क्रू ड्राइवर से खोल के देख लें। तो इससे समस्या ये आता है कि हर चीज़ अलग है। फिजिक्स में जैसे हमको बताया कि वो वेवलेंथ काम कर रहा है, तो ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब जो कर रहा है, जो जैसे कि हमारा आँख है, तो आपको एक सेंसर बनाते हैं जो कि कैमरा में, जैसे चाहे वो नाइकॉन हो चाहे कैनन हो, दोनों तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, फिर वो लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी अलग हो गया, फिर आप बोलोगे कि ठीक है डिस्प्ले के बारे में क्या, लेकिन वो भी तो अलग है ना, कोई LG का डिस्प्ले सैमसंग जैसा नहीं दिखता है, सैमसंग का सोनी जैसा नहीं दिखता है, तो सबके सब अलग हो गए। फिर प्रिंटर के बारे में तो बात ही नहीं करना, आपको तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एप्सन का जो इंक टैंक प्रिंटर है उसके बारे में तो पता होगा ना, उसमें CMYK इस्तेमाल होता है, मतलब सयान, मजेंटा, येलो और के जनरली की कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक। तो ठीक है, आप तो कहोगे कि चलो एटलीस्ट प्रिंटर में तो चार ही है, ये है कैनन का प्रोफेशनल प्रिंटर, इसका मैं आपको बताता हूँ, PM भगवान जाने क्या है, PCYMR PBK CO MBK GY, मतलब 11 कार्ट्रिज लगता है, ये प्रोफेशनल फोटो प्रिंटर्स के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डिफरेंस है हर चीज़ में, मतलब प्रिंटर है तो ऐसा मतलब नहीं है कि सबके सब प्रिंटर सेम होंगे, ये तो इतना तिगड़न लगने के बाद बहुत उलझन हो गया कि हर चीज़ अलग कलर दे रहा है। मतलब जैसे मेरा ये टी शर्ट है, ये मेरा टी शर्ट किस कलर का है, घास के तरह का हरा है कि पत्ती के तरह का हरा है, कि मतलब सैप ग्रीन है या ब्राइट ग्रीन है, तो आप समझ सकते हैं बहुत तिगड़म हो जाता है। उलझन को सलटाने के लिए, ये समस्या को सलटाने के लिए कुछ लोग सामने आए, और ये मैंने बताऊँ डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के टाइम में बात हो रही है, इन्होंने कलर गैमेट बनाया। तो इस तरह का जब भी आप ग्राफ देखते हैं, ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है, ये मत समझिए कि ये फिजिक्स में है, ये मैथमेटिकल ग्राफ में किसी ने बनाया कि ठीक है मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो इसे कहा जाता है इंसान का गैमेट है। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये इंसान के लिए बनाया गया कि इंसान यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देख सकता है। तो
ठीक है, इंसान तो वैसा देख सकता है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ये डिस्प्ले दिखा सकता है। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि ये बात पे ध्यान दीजिए कि मैथमेटिकली दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप हर जगह इस तरह का देखते होंगे कि sRGB है, Adobe RGB है, तो आप ये कलर कैसे देख सकते हैं जब आपका मॉनिटर वो नहीं है। अगर आपका मॉनिटर मान लीजिए 99% चांस में sRGB है, तो आप ये सब रंग कैसे देख सकते हैं जब sRGB वहाँ से बाहर नहीं दिखा सकता। इसीलिए समझिए वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा मत समझ लीजिए कि मतलब अगर आपके पास sRGB स्क्रीन है तो आप ये सब नहीं देख पाएंगे, या Adobe RGB है तो उसके बाहर वाला नहीं देख पाएंगे। आप सब देख सकते हैं, बस ये रिप्रेजेंटेशन कितना एक्यूरेट है, कितना वाइड है, ये सब के लिए है। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए कि इसीलिए आपको हमेशा हर कोई बोलता रहता है कि sRGB का इस्तेमाल करो, क्योंकि sRGB जो है वो सबसे कॉमन है। मतलब आप इंटरनेट पे कुछ डालना चाहते हैं, यानी फेसबुक पे कुछ डालना चाहते हैं, फेसबुक का सारा प्रोसेस बनाया गया है कि sRGB पे चले। फिर जितने डिस्प्ले हैं, मोबाइल हो चाहे कुछ हो, इक्का दुक्का मोबाइल छोड़ के 99% sRGB पे चलता है, लगभग सब चीज़ sRGB के लिए है। तो फिर ये Adobe RGB क्या तिगड़म है, ये Adobe RGB तिगड़म उनके लिए जो लोग प्रिंट में काम करते हैं, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। खास करके आप तो पता ही होगा, जब भी आप पेंट के दुकान में जाते हैं तो उनको आपको एक स्लैब, मतलब स्लैब जैसा देता है बड़ा सा कैटलॉग, जिसमें हर कलर का एकदम प्रिसाइस नंबर रहता है। आप सोचिए कि वो कैसे प्रिंट कर रहा है, कि उसको पता है कि 0.37 और 0.38 के बीच में जो अंतर है वो प्रिंटर प्रिंट करेगा, और हज़ार बार वो प्रिंट करेंगे, अलग अलग नहीं प्रिंट होगा, एक ही जैसा प्रिंट होगा। फिर आप ये मतलब समझ ये पेंटर को बोलेगा ठीक है हमको ये 0.39 वाला दो, 0.39 वाला लेगा, उसका कलर मैच कर जाएगा। ये तिगड़म को हैंडल करने के लिए ये सब बनाया गया था कि ये सबको हैंडल किया जाए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज जनरली RGB पे काम करता है, यानी रेड ब्लू ग्रीन। और इसमें एक और वैल्यू होता है जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस वैल्यू, मतलब वाइट से कितना ब्राइट है कलर या कितना डार्क है, वो उसको अलग से जनरली रखा जाता है। और उसके बाद एक आता है प्रिंटर में, तो आपको पता ही, अखबार में अगर आप अपना ध्यान दीजिएगा तो CMYK आपको दिख जाएगा। आप हमेशा अखबार के कोने में देखिएगा, आपको एक डॉट, चार टू डॉट मिलेंगे। वो जनरली डॉट इसलिए प्रिंट किया जाता है कि कोई भी जो भी प्रिंट प्रेस में काम कर रहा है वो देखते रहेगा उस डॉट को, उसको जैसे ही वो डॉट खत्म हो गया समझिए इंक खत्म होने वाला है। तो और उसका अलग काम भी होता है, ताकि वो मतलब अलाइनमेंट सही है कि नहीं, वो सब के लिए भी होता है। तो आप समझिए बहुत सारे कलर गैमेट है, लेकिन कलर गैमेट मैथमेटिकली है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कलर गैमेट तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए मतलब आपके लाइफ में, क्योंकि आपका स्क्रीन तो इतना नहीं दिखा सकता। इसीलिए इसको बस मैथमेटिकली समझिए। जब आपको कोई बोलता है sRGB मतलब इतना एरिया को अच्छे से दिखा सकता है, फिर Adobe RGB इतना एरिया को, ये सब आपके आँख के कंपेयर में, स्क्रीन के कंपेयर में नहीं है, आँख के कंपेयर में है। फिर आप कई बार सुनेंगे कि अच्छा 8-बिट पैनल है कि 10-बिट पैनल है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं, समझते हैं कि 10-बिट पैनल जो है वो Adobe RGB का होगा। ज़रूरी नहीं है, बिट से गैमेट का कोई लेना देना नहीं है। बिट का सीधा यही मतलब होता है कि कितना स्टेप है, 0 से 100% के बीच में कितना स्टेप है। तो अगर आप 0 से 100 तक चल रहे हैं, तो उसमें अगर 255 स्टेप आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं 8-बिट। ठीक है, अगर वो स्टेप उससे ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए 1000 स्टेप्स आप लेना चाहते हैं, कि मतलब एकदम सॉफ्ट आप कलर ट्रांजिशन दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग 10-बिट का इस्तेमाल करेंगे। उस बिट से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस उसमें हैं। जनरली ये होता है कि जो उतना महंगा 10-बिट का पैनल लेगा, वो कोशिश कर रहा होगा कि प्रोफेशनल में काम करे, तो जनरली कोशिश किया जाता है कि उसको Adobe RGB दिया जाए। लेकिन आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि सस्ता 10-बिट मॉनिटर मिल जाए जो 10-बिट है, प्रॉपर 10-बिट है, सब चीज़ आपने ग्राफिक्स कार्ड भी ले लिया जो 10-बिट है, सब चीज़ बढ़िया से ले लिया, सॉफ्टवेयर भी व्यवस्था कर लिया कि 10-बिट पे काम करे, सब चीज़ कर लिया, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि Adobe RGB हो, वो आपको मैन्युफैक्चर के पास से चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप एक सिंपल एग्जाम्पल से, ये पॉइंट अगर मान लीजिए वाइट है और ये पॉइंट ग्रीन है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाने के लिए कंप्यूटर के पास 255 स्टेप है, तो उसे आपका हो गया 8-बिट है, और 1000 स्टेप्स है तो उसे आप कह दोगे कि हाँ भैया ये हुआ 10-बिट पैनल। तो इतना झंझट को सल्टाए कैसे? तो सल्टाने का एक सीधा समझ, यह समस्या का इलाज है जिसे हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। आपको गैमेट के बारे में कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, लेकिन आपको कैलिब्रेशन पता होना चाहिए। आप कैलिब्रेशन अगर कर लेते हैं तो आपका सारा समस्या दूर हो जाता है। जो आप, मैंने आपको प्रिंटर के बारे में एग्जांपल दिया कि आप कहीं जाके प्रिंटर लेते हैं, तो आप देखते होंगे उसका कैटलॉग में जो कलर दिया है, वो आप उसका इंक का ढक्कन खोलिए, मतलब जो पेंट का ढक्कन खोलिए, लगभग 99% सेम रहता है। अब वो लोग कैसे करते हैं कि, और वो भी ऐसा नहीं है कि आप कैटलॉग है तो कैटलॉग कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो कैटलॉग मतलब जनरली 1-2 साल तक उसका रंग नहीं उड़ता है।
तो ये सब अचीव करने के लिए कैलिब्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और कैलिब्रेशन को हर चीज़ में आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो कैलिब्रेटली प्रिंट करना है कि मतलब जैसा मेरे एक आँख को दिख रहा है, यानी एक इंसानी आँख को दिख रहा है वैसा ही प्रिंट आए, तो उसके लिए कैलिब्रेशन ज़रूरी है। तो कैलिब्रेशन कहाँ कहाँ पर करेंगे? इस तरह के किट आते हैं कैलिब्रेशन के 30 से 40 हज़ार के, तो बोले ये तो बहुत महंगा है। हाँ, अगर आपका काम में उतना सीरियस चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें 30-40 हज़ार खर्च करना जायज़ नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए आप पिक्चर में काम कर रहे हैं, या म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, या आप टीवी के लिए काम करना चाहते हैं, या आप कहीं बहुत सीरियस फोटोग्राफी में घुसना चाह रहे हैं, तो ये सब पे खर्च करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर लोग, जैसे मान लीजिए गए किसी, आप ब्राइड का फ़ोटो खींच रहे थे, ब्राइड एक लाल साड़ी पहनी थी और फील था उसमें, आपका फ़ोटो मिसकैलिब्रेटेड प्रिंट आया और लाल किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, तो समझ रहे हैं, इस कारण से लोग कैलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहला ये स्टेप होता है, ये आप फोटोग्राफर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको आप कई बार मतलब जनरली हम लोग के लिए नहीं है, तो जो लोग फोटोग्राफी ऐसे करते हैं मॉडल को दे दिया जाता है कि मॉडल आप अपने फेस के पास रख के फ़ोटो खींच लें। तो ये जो कंपनी बनाएगी, जैसे मान लीजिए ये स्पाइडी कलर का है, वो एक्सराइट का है, जो भी कंपनी बनाती है इस पासपोर्ट को, कलर पासपोर्ट को, वो इसका एक आपको सॉफ्टवेयर देगी जिसको आप लाइट रूम में ले जाओगे, ये एरिया स्कैन करोगे, वो खींच के आपको एक प्रोफाइल बना देता है। वो प्रोफाइल का काम प्रोफाइल इसलिए बनाया जाता है कि कैमरा तो भले आपका एक कलर प्रोफाइल रखता है, लेकिन हर लेंस अलग प्रोफाइल बना देगा, क्योंकि एक लेंस का थोड़ा सा नीला होगा, एक लेंस होगा थोड़ा सा वाइट होगा, एक लेंस जो थोड़ा सा रेड टिंट देता है, इसलिए प्रोफाइल हर चीज़ का बनाया जाता है, कस्टम प्रोफाइल हर चीज़ का बनाया जाता है कि ये कैमरा ये लेंस के साथ इस तरह का अगर आप फोटो खींचेंगे अलग आएगा, यही कैमरा दूसरा लेंस और यही चीज़ का फोटो खींचेगा दूसरा कलर आएगा, इसीलिए हर कोई हर चीज़ का प्रोफाइल बनाता है। ठीक है, तो आपने फोटोशूट किया, आपने बस बोल दिया भैया एंड में कि आप यहाँ अपने कार्ड रख दो, कार्ड से अपने फ़ोटो खींच लिया, आपका पूरा कलर कैलिब्रेट हो गया। फिर उसके बाद आप अपना मॉनिटर को कैलिब्रेट करोगे कि हाँ क्या वो मॉनिटर इस कलर को सही से दिखा पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जनरली ये सब में कैमरे रहते हैं जिसको आप मॉनिटर के ऊपर लटका देते हैं, मतलब परमानेंटली कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे एक बार लटका दिए, वो अपना सॉफ्टवेयर चलाएगा, अपना फिगर आउट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लगता है, आधा से एक घंटा तक लग जाता है, वो सारे कलर को लेगा, वो आपको बताएगा कि मॉनिटर में ब्राइटनेस चेंज करो, मॉनिटर में RGB का वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ है उसको कम करो, क्योंकि ये सब सेटिंग आपके मॉनिटर में है, वो सबको जनरली छेड़ने नहीं जाता है, क्योंकि मतलब छेड़ने दिया जाता है तभी तो है सेटिंग, लेकिन छेड़ने इसलिए नहीं दिया जाता कि जनरली कंपनी आपके लिए खुद छेड़ देती है। जैसे कि आप LG लीजिएगा तो सिनेमा मोड है, सोनी लीजिएगा तो विविड मोड है, सैमसंग लीजिएगा कुछ और मोड है, रिच मोड ऐसा करके है, तो वो सब तिगड़म को हटाना पड़ता है ताकि आपको एकदम वही दिखे जो आपका कैमरा ने खींचा है। तो इसलिए आप फिर अपना मॉनिटर कीजिएगा, फिर आप प्रिंटर से जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपको इसी तरह का पैटर्न प्रिंट करने कहा जाएगा। प्रिंट करने के बाद एक घंटा आप रुकिए ताकि इंक सूख जाए, इंक जब सूख जाए तब दोबारा यही स्कैनर उसके ऊपर चलाइए, फिर आपको बोला जाएगा प्रिंटर में ये तिगड़म करो। प्रिंटर में इतना मेहनत किया जाता है कि जैसे कोई भी प्रोफेशनल है वो कागज़ का हिसाब रखता है कि ये कागज, जैसे कि कोटेक का आप कागज लेते हैं या कैनन का कागज लेते हैं, दोनों का अलग अलग प्रोफाइल है। तो इतना मेहनत करने के बाद आप ऐसा जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपने कोई फोटो प्रिंट किया किसी को, तो 99% चांस है कि वो एग्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसा इंसानी आंख को दिख रहा था। और ये सब फोटो का ये फायदा होता है कि अगर इस तरह से आप इतना मेहनत करके किसी को देते हैं तो जब भी वो फोटो लोग देखते हैं उसको कहेंगे लग रहा था कि हम वही हैं। खास करके अगर आप बड़ा प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सब होने से ये बहुत आसानी से दिखता है, जो कि खासकर आप फोटो गैलरी में देखते हैं या मतलब कहीं कहीं बड़े प्रोफेशनल लोग का जो बड़ा सा पोस्टर निकाला जाता है, लगता है कि आप वहीं हो। वो इसलिए होता है कि एकदम कैलिब्रेट किया कि इंसानी आंख जैसा लगे। तो इसीलिए आप समझिए हर चीज़ के लिए प्रोफाइल बनाएगा, ये प्रिंटर, ये इंक और ये मतलब मेरा पेपर का क्या प्रोफाइल बन रहा है, मेरा मॉनिटर का क्या प्रोफाइल बन रहा है, मेरा कैमरा प्लस कौन सा लेंस है क्या प्रोफाइल बन रहा है। तो हमारे पास सोल्यूशन है, तो आप Adobe RGB या sRGB के पीछे उतना मेहनत नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप कैलिब्रेट कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा महंगा चीज़ है। तो अगर आपका किस्मत अच्छा है, आप किसी बड़े शहर में हैं, तो कई लोग इस तरह के सिस्टम को रेंट पे देते हैं, तो आप एक दो बार आप कैलिब्रेट कर लीजिए एटलीस्ट। अगर अपना मॉनिटर और ये कैलिब्रेट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर कैलिब्रेट कर लेते हैं, तो एटलीस्ट जो चीज़ आपके मॉनिटर में दिख रहा है वही प्रिंट होगा। जनरली लोग बोलते हैं प्रिंट जो आ रहा है डार्क है, यानी कि मॉनिटर का ब्राइटनेस ज़्यादा है। जनरली दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, एकदम 100% नहीं होगा, लेकिन 99% होना चाहिए। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि कैलिब्रेशन आपका समस्या दूर कर सकता है। बड़े बड़े शहर में तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको ये सब दे देंगे एक हफ्ता के लिए 5-6 हज़ार रुपये में। तो लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हर जगह मिलता है, इसलिए थोड़ा सा तिगड़म लगता है।
तो सोल्यूशन है हमारे पास। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास कैमरा है, उसमें 5-6 ठो लेंस है, 5-6 ठो लेंस लगा लगा के आप ये सारा फोटो खींच लिए बीच दोपहर दिन में, फिर मॉनिटर को कैलिब्रेट किए, फिर अपना प्रिंटर कैलिब्रेट किया, आपका निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद ये सामान आप लौटा दीजिए जिसको देना है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, क्या बोलता हूँ कलर गैमेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए #S2T के नाम माध्यम से, और प्लीज़ घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।